1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। भारत की चौथी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। आयरन लेडी के रूप में जानी जाने वाली इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 में हुआ था। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान रहे हैं। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियनका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। दारा सिंह ने कई फिल्मों में अभिनय के अतिरिक्त निर्देशन व लेखन भी किया। उन्हें टीवी धारावाहिक रामायण में हनुमान के अभिनय से अपार लोकप्रियता मिली। भारत की प्रथम विश्व यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ था। सुष्मिता सेन ने 1994 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता और बाद में उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स 1994 की प्रतियोगिता जीती। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अपने कैरियर में सुष्मिता सेन ने हिंदी, तमिल और बंगाली जैसी विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। भारत की ऐश्वर्या राय 19 नवंबर 1994 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। ये दूसरी बार था जब कोई भारतीय सुंदरी मिस वर्ल्ड बनी थी। उस वक्त ऐश्वर्या की उम्र 21 साल थी। 86 देशों की सुंदरियों ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया था। ऐश्वर्या एक सफल बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। उन्होंने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी। कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कल्पना चावला ने 1988 में नासा के लिए काम करना शुरू किया था। फिर दिसंबर 1997 में वह दिन आया जब कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा के सपने को साकार होने की राह मिली। लेकिन एक और मिशन के दौरान 1 फरवरी 2003 को उनका स्पेस शटल STS-107 धरती पर आने वाला था कि लैंडिंग से केवल 16 मिनट पहले आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में कल्पना सहित पूरे दल की मृत्यु हो गई थी। तो इसी प्रकार हर रोज की हिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।